भाकपा माओवादी नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15 लाख का इनामी खूंखार व दुर्दांत रीजनल कमेटी सदस्य रमेश गंजू उर्फ अंकित उर्फ आजाद उर्फ हरिकेश गिरफ्तार किया गया। लावालौंग थाना क्षेत्र के बरवाडी जंगल में उसकी गिरफ्तारी की गई। चतरा लातेहार पलामू गया और औरंगाबाद समेत झारखंड बिहार के आधा दर्जन जिलों को पुलिस की उसकी तलाश पहले से ही थी। पुलिस के जवानों की हत्या कर पेट में लैंडमाइंस लगाने का भी वो मास्टरमाइंड रह चुका है। आजाद के द्वारा पिछले 20 वर्षों में 30 से अधिक जवानों और ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा गया है। झारखंड बिहार के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ 45 से अधिक दुर्दंत मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार नक्सली आजाद के पास से पुलिस ने लेवी का 1.5 लाख रुपया नगद भी बरामद किया है। आज चतरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसमें रीजनल कमेटी मेंबर मगध जोन और ये कुलेश्वरी सब जोन के रमेश गंजू उर्फ आजाद उर्फ अंकित उर्फ हरिकेश को डीएपी अपने चतरा पुलिस एवं 190 सीआरपीएफ के ऑफिसर्स एवं उनकी टीम के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा ये कुख्यात नक्सली पकड़ा गया है और इसकी गिरफ्तारी बरवाड़ी जंगल से हुई है। सिमरिया थाना के बरवाड़ी जंगल की हुई है। इस टीम में SDPO सिमरिया और थाना प्रभारी जो 2018 बैच के हैं कुंदा सिमरिया लावालौंग के भी टीम में इसमें थे, शामिल थे। ये नक्सली 15 लाख का इनामी था। सरकार के द्वारा इस पर 15 लाख रुपए इनाम घोषित किया गया था। जो इनाम की राशि है वो अपने पूरी टीम मेंबर्स को मिलेगी। इसके अलावा इतना कुख्यात नक्सली था कि इसने कटिया जंगल के अंदर बरवाड़ी में 2013 के अंदर अपने जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उनके पेट में बॉम्ब लगाया था और वहाँ से UBGL गन लेके भाग गया था। औरंगाबाद जो कि बिहार के अंदर पड़ता है, औरंगाबाद जिले के अंदर गो पुलिस कैंप के अंदर भी इसने लगभग 30 पुलिस राइफल लूटी थी और 2013 के अंदर भी TPC के साथ मुठभेड़ में 16 TPC नक्सल्स को और उसको हत्या में ये लोग शामिल थे। इस पर लगभग 45 कांडों से ऊपर इस पर कांड दर्ज हैं। पलामू, लातेहार, चतरा, गया, औरंगाबाद। इसके अलावा लगभग 30 पुलिसकर्मी की हत्या में ये आदमी नेम्ड रहा है और ये एक बड़ी सफलता है चतरा पुलिस को। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा SP चतरा श्री राकेश को, जिनके नेतृत्व में ये सफलता हासिल हुई है। और इसके पकड़े जाने से, इसकी अरेस्टिंग से जरूर CPI महाराष्ट्र का जो संगठन है उसकी कमर टूटी है। सर, क्या कोई हथियार भी बरामद हुआ है इनके पास? अभी तक हम लोग इससे इंटरोगेशन कर रहे हैं, पुलिस रिमांड पर इसको लेंगे और जैसा होगा तो फिर हम लोग आपको जानकारी देंगे। टीम में जो लोग शामिल थे उनके लिए सर कोई? जो टीम में जो लोग शामिल थे उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा जो इसकी राशि है 15 लाख रुपए की जो राशि है वो टीम मेंबर्स को दी जाएगी। सर, माओवादियों को कितना बड़ा झटका है ये? माओवादियों के लिए बड़ी झटका है क्योंकि ये मगध जोन का रीजनल कमेटी मेंबर था। अब इस दुर्दांत नक्सली आजाद के इस लंबे आपराधिक इतिहास के बारे में जानते हैं, जिसमें मुख्य कांड संख्या कुछ इस प्रकार है। पहला, चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2011 में पुलिस पार्टी पर एम्बुश लगाकर हमला कर दिया और फिर अंधाधुंध गोली चलाया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे तथा कई जवान बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इस दौरान पुलिस जीप सहित 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था तथा एक इंसास राइफल तथा और 4 अन्य राइफल भी लूट लिए गए थे। दूसरा, लातेहार के बूढ़ा पहाड़ के आसपास के जंगल में पुलिस के साथ हुए इस मुठभेड़ में 2 पुलिस जवान भी शहीद हो चुके थे। तीसरा, चतरा जिला के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के राजगरुआ में वर्ष 2019 में संवेदक राकेश सिंह के द्वारा लेवी नहीं देने के कारण उसके 2 हाइवा तथा 1 कोकेन मशीन को जला दिया गया था। वहीं चौथा, पलामू जिला के पाकी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2011 में मतनाथ गांव में पुलिस बल पर घात लगाकर हमला कर दिया गया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके थे। शहीद पुलिसकर्मियों के पास से उनके हथियार AK-47, एक X-95 राइफल, एक 6 मैगजीन सौ जिंदा कारतूस तथा एक हैंड ग्रेनेड को भी लूट लिया गया था। वहीं पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र छोटकी कोड़िया गांव में रामचंद्र साहब और बलराम साहब के घर से आराम कर रहे TPC नक्सलियों पर अचानक हमला कर 16 TPC नक्सलियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था तथा उनके हथियार भी लूट लिए गए थे।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।